ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? देखिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में दो तरीके के सवाल आ सकते हैं, एक आ सकता है कॉजेस पर और एक आ सकता है फेलियर पर। कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई, उसके कॉजेस पूछ लिए जाएंगे। तो वो जब कॉजेस आपसे पूछे जाएंगे तो वो सिर्फ 14 मार्क्स का सवाल आ सकता है, उस पर 7 मार्क्स का सवाल आज तक नहीं आया। अगर आ जाए पेपर में तो रोना धोना नहीं शुरू कर दीजिएगा कि सर आपने तो बोला था 7 मार्क का, इस पे 14 मार्क्स का ही आता है, 7 मार्क का नहीं आता। कॉजेस पे 14 मार्क्स का ही आता है, लेकिन अगर 7 मार्क का आ जाए तो कोई 3 रीजंस लिख दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और आपके पास इसका फेलियर, फेलियर पे आता है 7 मार्क और 14 मार्क्स। अच्छा, 4 मार्क्स का तो दोनों पर आ सकता है। और एक और चीज होती है जो टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो है अफेक्ट्स ऑफ वॉर। जो बच्चा मुझे मुझसे पहले से पढ़ता है, सही है, और जिसके पास मेरे पुराने नोट्स होंगे, उसमें एक क्वेश्चन था क्वेश्चन बाय MYM के नाम से, सही है, उसमें एक क्वेश्चन था क्वेश्चन बाय MYM के नाम से, और वही क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर के अंदर आया था अफेक्ट्स का। तो जब मैं ये कहूँ ना कि मेरा सवाल है पढ़ लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर में एग्जैक्ट आएगा, लेकिन ये समझ लेना कि मेरे सवालात लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ पास पेपर्स नहीं करना है, हमें हर चीज प्रैक्टिस करनी है, सही है। तो मैं आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊं वो भी आप लोगों ने पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं, लेकिन वहां पर मैं बोल दूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कचरा सवाल है, सिर्फ नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, और इंट्रोडक्शन सिर्फ कहां पे यूज होगा, 14 मार्क्स पे। वॉर, आपकी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है वो किसके बीच में हुई थी? इट वॉज बिटवीन इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश। इंडियंस का मतलब सर क्या है? इंडियंस का मतलब ये है कि उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदूज भी हैं, और उसमें अदर कम्युनिटीज भी हैं, क्योंकि अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ। अब ब्रिटिश भी हमारे खिलाफ वॉर लड़ रहे हैं, मतलब इंडिया और ब्रिटिश की लड़ाई हुई है। वॉर आपके पास बेसिकली स्टार्ट होती है 10 मई 1857 के अंदर, मीरठ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मीरठ एक जगह का नाम है, मीरठ, वहां से स्टार्ट होती है। और ये वॉर आपके पास चलती रहती है तकरीबन 1 साल तक, ये वॉर चलती है, और ये आपके पास क्या हो जाती है, ये 1858 अगस्त के अंदर खत्म हो जाती है। इसके अदर नेम्स भी हैं, जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने आपको बताया, तो हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जगह सर दूसरा नाम क्या है, तो द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हम इसको कहते हैं, हम इसको द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम है, लेकिन हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से मशहूर है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन बताया। अब हम पढ़ रहे हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो क्यों हुई, मतलब इंडियन ब्रिटिश के ऊपर क्यों लड़ने गए, उनसे क्यों लड़ने गए, कोई वजह होगी ना। तो पहला रीजन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको गौर से समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपके पास एक 1852 के अंदर एक बंदे थे जिनका नाम था लॉर्ड डेलहाउजी। क्या नाम था? लॉर्ड डेलहाउजी। लॉर्ड डेलहाउजी ने एक पॉलिसी बनाई, इट वॉज अ लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी, मतलब जमीन को कब्जा करने वाली पॉलिसी, लैंड एनेक्सेशन पॉलिसी, लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी, जमीन पे कब्जा करने वाली पॉलिसी बनाई। कब बनाई? 1852 के अंदर। और उसके अंदर बोला गया कि जब एक रूलर मरेगा या कोई ओनर मरेगा किसी प्रॉपर्टी का, तो अगर उसका बेटा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, अगर उसका बेटा नहीं हुआ तो हम उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे अगर उसका बेटा नहीं हुआ। अब अगर आप खुद सोचें, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो हैं वो, आप लोगों का जो मेरी फीमेल स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका भाई नहीं है, सही है, अब आपका भाई नहीं है, तो अब आप लोगों से क्या हुआ कि किसी ने भी आप लोगों ये कह दिया कि भाई अगर जैसे ही अगर कोई वो होगा तो सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हम कॉन्फिस्केट कर लें, मतलब आप लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी इन फ्यूचर। सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश की हो गई। गुस्सा आएगा ना, देखिए मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मेरा बेटा है या नहीं है, तो अगर मेरा बेटा नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो लोग, लैंड को क्या कर रहे हैं, कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, मतलब भरमबाजी कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमें गुस्सा आया। अच्छा, फिर अब हम इंडियंस हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसका हमने एक वो निकाल लिया, हल निकाल लिया। हमने क्या करा, हमने एडॉप्शन कर दी कि बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, एक बेटा एडॉप्ट कर लिया, और हमने शो कर दिया ये हमारा बेटा है। तो उन्होंने एडॉप्शन को भी बैन कर दिया, क्या कर दिया, एडॉप्टिंग सन वॉज नॉट अलाउड, और उसको बैन कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस पॉलिसी की वजह से इन्होंने हमारे बहुत सारे एरियाज को कॉन्फिस्केट कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आया और वॉर लड़ा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया? 1852 में। किसने बनाई यह पॉलिसी? लॉर्ड डेलहाउजी ने। पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि अगर एक रूलर या ओनर मरता है और अगर उसका बेटा नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी ब्रिटिश के पास चली जाएगी, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। और दूसरी बात ये कही गई कि आप बेटा एडॉप्ट नहीं कर सकते।
फिर ये भी बताया गया कि इसकी वजह से बहुत सारे एरियाज उन्होंने हमारे कॉन्फिस्केट कर लिए, लोगों को गुस्सा आया और वॉर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को पहली पॉलिसी समझ आई या फिर कोई कंफ्यूजन है? इसके बाद हमारे पास है एग्रेरियन पॉलिसी। बेटा एग्रेरियन पॉलिसी का दूसरा नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ परमाउंटेन सी। क्या नाम है? पेपर में एक दफा आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ परमाउंटेन सी। बच्चे कंफ्यूज, अल्लाह अकबर ये क्या आ गया? तो बेटा अगर आपके पेपर में डॉक्ट्राइन ऑफ परमाउंटेन सी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज सेम एज एग्रेरियन पॉलिसी। सही है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ परमाउंटेन सी या एग्रेरियन पॉलिसी क्या है? तो ये बेसिकली 1852 के अंदर ये पॉलिसी आई। अच्छा, इसकी डेट्स में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ कहते हैं कि 1852 के बाद आई थी, कुछ कहते हैं 1852। तो आप डेट याद नहीं करो तो ये अच्छी बात है। इट वाज अ लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी। ये भी लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी थी और इसके अंदर ये था कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी के टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हम आपका लैंड कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो सर ये तो सही बात है कि अगर प्रॉपर्टी के नहीं है कागजात तो लैंड कॉन्फिस्केट हो जाना चाहिए। लेकिन बेटा ये गलत है। सर क्यों गलत है? देखिए उस जमाने के अंदर प्रॉपर्टी के कोई प्रॉपर कागजात वागजात नहीं रखता था। तो होता ये है कि अब अगर आपके पास लैंड क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केट। अब उस जमाने में तो किसी का कागजात नहीं थे। अच्छा चले कागजात अगर है भी तो भी हम डिसएडवांटेज पे। अगर कागजात हुए तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, हैवी टैक्स। तो दोनों वे के अंदर कौन नुकसान के अंदर है? हम। अगर डॉक्यूमेंट है तो टैक्स भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो लैंड चली जाएगी। तो दोनों तरफ से किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। तो इट वाज अ लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी और 1852 के अंदर ये पॉलिसी। अब लोगों को गुस्सा ही आएगा ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरी जगहों पे कब्जा हो रहा है तो लोगों को गुस्सा आया, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड वॉर इन 1857। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को एग्रेरियन पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ परमाउंटेन सी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दोनों समझ आ गए या कोई कंफ्यूजन है? ओके बेटा, लेकिन एग्रेरियन पॉलिसी क्या है? एग्रेरियन पॉलिसी एक लैंड कॉन्फिस्केटिंग पॉलिसी है, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। एग्रेरियन पॉलिसी का अदर नेम है डॉक्ट्राइन ऑफ परमाउंटेन सी। इसके अंदर यह बोला गया कि अगर किसी लैंड ओनर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, घर के कागजात नहीं होंगे, घर के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे, और अगर उसके पास हुए तो हम उसका टैक्स इंक्रीज कर देंगे, मतलब उसके घर का टैक्स उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो दोनों वे के अंदर नुकसान किसका है? इंडियंस का। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप टैक्स भरो, अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका लैंड कॉन्फिस्केट हो रहा है। दोनों तरफ के अंदर लोग नुकसान के अंदर थे, दैट्स वाई लोगों को गुस्सा आया और दोनों ने लोगों ने क्या स्टार्ट कर दी? वॉर स्टार्ट कर दी। बेटा जिनका सवाल था वो मुझे जल्दी से बता दें कि समझ आया या कोई कंफ्यूजन। इसके बाद आपके पास है लैंग्वेज इशू या क्या थर्ड प्रॉब्लम जिसकी वजह से वॉर। लैंग्वेज इशू के अंदर आप ये बताएंगे 1834 के अंदर ये लोग इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। हालांकि ये इनका मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, लेकिन ये इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं तो पर्शियन एंड संस्कृत वर रिमूव। संस्कृत किसकी वो थी? हिंदूज की। और पर्शियन किसकी लैंग्वेज थी उस जमाने के अंदर? मुसलमानों। दोनों को गुस्सा आया कि ये हमारा मुल्क है, हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, पर्शियन या संस्कृत होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज लिया। तो जिस बात पे इनको गुस्सा आया और इन्होंने उसको अपोज किया। दूसरी बात आप क्या बताएंगे, 1835 के अंदर एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के अंदर बोला गया कि स्कूल के अंदर जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा या फिर जो स्कूल के अंदर पढ़ाने का जो लैंग्वेज यूज होगी वो इंग्लिश यूज होगी। इस पे भी लोगों को गुस्सा आया कि भाई हमारे लोग हैं, पर्शियन में सिखाओ, संस्कृत में सिखाओ, आप इंग्लिश में सिखाओगे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। दूसरा ये कहा गया कि जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, उधर इंग्लिश आपके पास यूज होगी और उधर की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो। तो लोगों को गुस्सा आया, इंडियंस वर एंग्री। क्यों एंग्री सर, क्यों गुस्से में आ गए? क्योंकि बेटा इंडियंस का मुल्क है, इंडियंस चाहते थे कि या तो पर्शियन हो या तो संस्कृत हो या दोनों हो, लेकिन इंग्लिश ना हो क्योंकि यह हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए हमारे मुल्क में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाओ। तो ये आपके पास क्या था, लैंग्वेज इश्यू, जिसकी वजह से वॉर हुई और लोगों को गुस्सा आया।
इसके बाद एक और रीजन आपके पास है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर हम क्या बताएंगे? एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर आप ये बताओगे कि एक बंदा था जिसका नाम था लॉर्ड मैकुले, MACULEY, लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले ने कुछ स्कूल्स बनाई और जिसके अंदर वेस्टर्न करिकुलम ले आए। वेस्टर्न करिकुलम लाए सर, कोई मसले वाली बात थोड़ी है बेटा। वेस्टर्न करिकुलम के अंदर क्या हुआ कि लोगों को ये बात का गुस्सा आया कि आप हमारा करिकुलम हटाकर हमारी एजुकेशन के अंदर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। हालांकि उनका करिकुलम हमसे बहुत बेहतर था, लेकिन एक होती है ना अना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो आप मुझे ये कहो कि सर आप जो है वो बहुत ही क्या करते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाते, एक्स वाई जी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनकी क्लास का वो ले आओ। हालांकि मुझे पता होगा वो टीचर अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, नहीं यार ये अच्छे टीचर नहीं है, बुराई शायद, क्योंकि ये हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम दूसरों को कभी अच्छा नहीं मानते, हम हमेशा समझते हैं कि हम बहुत अच्छे। तो इसी मसले की वजह से जब लॉर्ड मैकुले वेस्टर्न करिकुलम लाए तो इंडियंस को लगी मिर्ची। इंडियंस ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि आप हमारी स्कूल्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, हमारे बच्चे, हमारी मर्जी, हमारा करिकुलम, आप क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो। तो उस बात पे हमें गुस्सा आया। दूसरा, को एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई जिसकी वजह से उलमास, खास तौर पे जो मुस्लिम उलमास थे वो ऑफेंड हो गए, उनको गुस्सा आया। सर को एजुकेशन की वजह से क्यों गुस्सा आया? बेटा अकॉर्डिंग टू इस्लाम को एजुकेशन गलत चीज है, सही है? अब आप बोलेंगे सर नहीं आप तो गलत बोल रहे हैं, आप खुद इतनी स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, आपको ये बात पता होगी कि हर स्कूल के अंदर को एजुकेशन फॉलो होती है और हमारे पास ये है। बेटा हर चीज अगर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही चीज है। जो चीज गलत है वो चीज गलत है, फॉलो हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही है, सही है? तो हमारे पास को एजुकेशन गलत है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्योंकि हम जो है वो मेल एंड फीमेल उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे आप डी सिटी स्कूल की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिवाय पीएफ चैप्टर उनके हर कैंपस के अंदर बॉयज कैंपस एक ही है, लेकिन बॉयज की क्लासेस अलग है, गर्ल्स की क्लासेस अलग है। इसी तरीके से बहुत सारी स्कूल्स हैं जिधर मैं एफिलिएटेड भी था, द पेट्रियॉट स्कूल बॉयज कैंपस, वो बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से जो है वो अभी विजडम हाउस है, तो वो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि क्या है सेपरेट, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सब को एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं तो हम भी को एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन को एजुकेशन रॉन्ग है जिसकी वजह से उलमास को गुस्सा आया कि ये आप कैसा सिस्टम ले आए हो, ये कैसे जो है वो आप ये चीजें यहाँ पर ला रहे हो, जिसकी वजह से उलमास को गुस्सा आया और उलमास इनके ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। तीसरी बात, स्कूल के अंदर बाइबल की टीचिंग स्टार्ट हो गई जो कि क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग, जो कि कौन सा रिलीजन की बात है, क्रिश्चियनिटी। लेकिन हमारा जो इंडियंस का रिलीजन था वो कौन सा था, मोस्टली आपके पास मुस्लिम्स थे या फिर हिंदू थे। तो उन्होंने कहा कि या तो आप कुरान सिखाओ या गीता हमारी बुक होती है वो सिखाओ, आप ये क्यों सिखा रहे हो। तो जिसकी वजह से इनको गुस्सा आया और ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए और इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़ी। तो ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, और उससे पहले लैंग्वेज इश्यू पड़ा। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को ये रिफॉर्म समझ आए या फिर कोई कंफ्यूजन है। मुझफिरा बेटा आपको समझ आया? ओके बेटा, अब हमारे पास है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो पेपर के अंदर अगर ये आ जाए ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या फिर पेपर के अंदर ये आ जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या फिर ये आ जाए पेपर के अंदर के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो एक ही बात होती है, सही है? पेपर में ये जाकर नहीं बोलिएगा सर अल्लाह अकबर आपने तो पढ़ाया नहीं, आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं, सही है? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके पास क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपने ये बात बतानी है कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई हुई थी कि आपके पास वहां पर इंडस्ट्रीज बन रही थी, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर। अब देखिए इंडस्ट्रीज जब बन रही होती हैं तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आपको चाहिए रॉ मटेरियल जिससे आप अपनी इंडस्ट्रीज चलाएंगे, और एक आपको चाहिए कि ह्यूज मार्केट चाहिए जिससे आप इंडस्ट्रीज का जो माल बन गया, जो सामान बन गया, आप उसको सेल आउट कर सके। तो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज बन रही थी, ब्रिटिश को इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल भी दिखा और ब्रिटिश को इंडिया के अंदर ह्यूज मार्केट भी दिखी। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, ब्रिटिश रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे, कहां से लेकर जा रहे थे, इंडिया से। इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस करा और देन वापसी वो सेल कर रहे थे इंडिया के अंदर एट चीपर रेट्स। सर कैसे सस्ते रेट्स के अंदर, बेटा वो जाहिर सी बात है वहां इंडस्ट्रीज बनी हुई थी तो वहां कॉस्ट थोड़ी कम आ रही थी, तो यहाँ पर सस्ते रेट में बेच रहे थे, जिसकी वजह से लोग हमेशा सस्ती चीज खरीदते हैं। ये बात दुनिया के अंदर याद रखिएगा, जब आपके पास सस्ती चीज खरीदते हैं तो उसमें क्या हुआ कि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज चलना बंद हो गई,
क्योंकि लोकल इंडस्ट्रीज महंगा सामान बेच रही थी, उनसे कोई सामान नहीं खरीद रहा था, तो लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। जब लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आया कि ये इनकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, ये लोग इंडस्ट्रीज हमारी कोलैप्स करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने इनके खिलाफ वॉर किया। तो ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आप ये बताएंगे कि इंडियन आर्मी थी, सही है, उसके अंदर इंडियंस भी हैं, इंडियन सिपॉइज भी हैं, और आपके पास ब्रिटिश सिपॉइज भी हैं। इंडियन सिपॉइज काम ज्यादा करते थे लेकिन पे कम मिलती थी, पैसे कम मिलते थे, लेकिन ब्रिटिश सिपॉइज काम कम कर रहे हैं और पे क्या मिल रही है, बहुत ज्यादा। तो ये भी आपके पास क्या था, इस वजह से भी लोगों को काफी गुस्सा आया कि यार ये लोग काम तो करते हैं नहीं, और ये हमसे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है वो इनको बहुत ज्यादा काम करके दें और पैसे भी क्या देते हैं, बहुत कम देते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आया और खिलाफ किया भी इनके वॉर भी। तो मुझे ये बात बताएं कि आपको ये तीन चीजें ये समझ आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है? सिपॉइज बेटा मतलब ये कि आर्मी के जो बंदे थे, सही है, ओके बेटा समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, सवाल ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके पास ये है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके पास ये है कि देखिए इंग्लैंड में बन रही थी इंडस्ट्रीज। अब जब इंडस्ट्रीज बनती है तो इंडस्ट्रीज में सामान चलता है ना, जैसे अगर मुझे शर्ट बनानी है तो मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन। तो कॉटन और रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा था, इंडिया के अंदर। तो ये लोग रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदते थे इंडिया से, सारा रॉ मटेरियल इंडिया से खरीद के ले गए इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बन रही थी, तो इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने अपना सामान बनाया, वो सामान बनाकर ये लोग इंडिया में जाकर सेल करते थे एट चीपर रेट, सस्ते दामों के अंदर, जिसकी वजह से लोग क्या खरीदते थे, ब्रिटिश गुड्स खरीदते थे। जब वो ब्रिटिश गुड्स खरीदते थे तो इंडियन लोकल गुड्स आपकी क्या हो गई, नहीं बिक रही थी, नहीं सेल हो रही थी, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्रीज क्या हो गई, आपकी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स होना शुरू हो गई, लोकल इंडस्ट्रीज का सामान नहीं बिक रहा था, तो वो जब बंद होना शुरू हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयड का मतलब उनकी जॉब्स छूट गई, क्योंकि जब इंडस्ट्री ही नहीं चल रही तो जॉब्स कहाँ से होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई। तो होपफुली जिस बच्चे का सवाल था वो मुझे जल्दी से बता दें कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बता। इसके बाद हमारे पास है रिलीजियस रीजन, ये आपने बड़ा गौर से समझना है। पहला रिलीजियस रीजन ये है कि इन्होंने पर्दा एंड सती को क्या कर दिया, बैन कर दिया। किसको बैन कर दिया, पर्दा एंड सती। पर्दा किसका है बेसिकली, पर्दा हमारी चीज है, और पर्दा क्या है बेसिकली कि वो अपनी बॉडी को कवर करते हैं, कौन बॉडी को कवर करता है, हमारी जो वुमेन होती है वो बॉडी को क्या करती है, कवर करती है, सही है। और जो मेल होता है उनका पर्दा नहीं होता, तो बेटा मेल का भी पर्दा होता है, मेल का होता है आंखों का, क्या अगर वो बेशर्मों की तरह अगर किसी को देख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, पर्दा नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है कि पर्दा, लेकिन अभी यहाँ पर जो स्पेसिफिकली बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, वो फीमेल्स की बात हो रही है। तो पर्दा ये था कि कवरिंग ऑफ बॉडी, आप अपनी बॉडी को कवर कर रहे हो। ब्रिटिश ने ये एक्ट बैन कर दिया, क्या कर दिया, बैन कर दिया कि आप पर्दा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी को कवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उल्मास को गुस्सा आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गलत चीजें फैला रहे हैं, ये लोग वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उल्मास को गुस्सा आया और उल्मास ने इनके खिलाफ वॉर करी। तो ये तो पर्दा वाली बात हो गई। दूसरी है सती वाली बात। सती क्या है, सती बेसिकली है कि बर्निंग ऑफ विडो ऑन द फ्यूनरल ऑफ हर हस्बैंड। ये सती कौन करते हैं बेटा, ये सती हिंदूज करते थे, कौन करते थे, हिंदूज। सर ये सती में होता क्या था बेटा, सती में ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, सही है, मैं एक हस्बैंड हूँ और मेरी एक छोटी सी क्या है, बेगम है, वाइफ है। अब क्या हुआ, मेरी जो है वो क्या हो गया, मैं जो है वो मेरी डेथ हो गई। अब मेरी जब डेथ हुई तो मेरी वाइफ मेरी विडो कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, विडो। तो अब होगा ये कि मेरी वाइफ, वो आपने ये देखा होगा कि हिंदू के अंदर बॉडीज को जलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बर्निंग ऑफ विडो ऑन द फ्यूनरल ऑफ हस्बैंड का मतलब ये है कि जब हस्बैंड को जला रहे हैं ना तो साथ में कहते हैं कि बेगम का भी कुछ काम नहीं है, बेगम को भी जला दो, मतलब मुझे जला रहे होंगे तो साथ में मेरी बेगम को भी जला देंगे, कि इसका भी काम क्या करो, खत्म करो। इस्लाम तो ऐसा नहीं है, इस्लाम तो हमें सारी चीजों की वो देता है, मतलब छूट और देता है, तो हमारे उसमें तो ऐसी हरकतें नहीं है, लेकिन उनके उसमें ये थी कि सती के अंदर क्या था कि जैसे ही हस्बैंड मर रहा है तो वाइफ को भी जला दो। अब जब वाइफ को जला दो तो ये तो गलत है, सही है, लेकिन ये उनका कस्टम था, क्या था, कस्टम। तो ये क्या हुआ कि आपके पास
जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने ये चीज बैन कर दी। सती को क्या कर दिया, 1829 के अंदर बैन कर दिया कि ये प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ये तो अच्छा काम करा ना कि अगर आप किसी एक वुमेन को जला रहे हो तो ये तो गलत है। अब ब्रिटिश ने तो बहुत अच्छा काम करा कि उसको बैन कर दिया, बिल्कुल अच्छा काम करा। लेकिन देखें जब हमारा कोई चीज रिलीजन की होती है, कोई ऐसी चीज होती है ना, तो हम फॉरन ऑफेंड हो जाते। तो इसी बात पे हिंदूज को गुस्सा आया कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर किया क्यों कर रहा है, भले वो चीज गलत है, लेकिन क्या है कि वो उनको उनका रिलीजन था, उनको इस बात पे क्या आया, गुस्सा आया। तो आप क्या बताएंगे कि सती इन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि आपने ये बात सुनी होगी कि जो है पहले जमाने के अंदर जो है वो जला दी, किसको, बेटियों को जिंदा जो है वो दफना दिया जाता था। तो ये कहा गया कि किलिंग ऑफ बेबी डॉटर्स मर्डर होगा। ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन इस बात पे भी क्या है, इनको गुस्सा आया कि भाई हमारी मर्जी ना, हम अपनी बेटी को दफनाए, अपनी बेटी को ये करें। हालांकि ये गलत है, मैं कोई इस पे जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बेटी को दफनाना कोई बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं, लेकिन उनके ये प्रैक्टिसेस थी, उनके बाप दादाओं ने ये चीजें करी थी, तो वो ये चाह रहे थे कि भाई ये चीजें हम फॉलो करें, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। तो ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा था, ब्रिटिश, इनको गुस्सा आया और इन्होंने इनके खिलाफ वॉर करी। दूसरी बात आप ये बताएंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज। सर क्रिश्चियन मिशनरीज कहाँ से आए, इंग्लैंड से आए। कहाँ से आए, इंग्लैंड से। क्रिश्चियन मिशनरीज इंग्लैंड से आए और वो पब्लिक प्लेसेस पर गए। कहाँ कहाँ गए, पब्लिक प्लेसेस पर। पब्लिक प्लेसेस में गए विद फुल सिक्योरिटी, विद फुल सिक्योरिटी। जब वो विद फुल सिक्योरिटी गए तो वहां पर वो क्या करते थे कि वो फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे थे इंडियंस को इनटू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन बना रहे थे फोर्सफुली। तो जिसकी वजह से इंडियंस को गुस्सा आया कि भाई हमारे रिलीजन क्यों छुड़वा रहे हो, तो इस वजह से उन्होंने उनके खिलाफ क्या करी, उन्होंने उनके खिलाफ वॉर की। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को ये रिलीजियस रीजन समझ आए या फिर कोई कंफ्यूजन है, जल्दी जल्दी बता दें। जैनब बेटा आपको समझ आया या कोई कंफ्यूजन, वॉट अबाउट देयर किड्स इफ दे हैव एनी। तो बेटा किड्स का कोई जो है उनकी उसमें प्रैक्टिस के अंदर नहीं था, कि सती सिर्फ कब प्रैक्टिस होता था, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाइफ है, किड्स वाली जो है उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, किड्स को मतलब ऐसे ही रख दिया जाता था, किड्स को नहीं जलाया जाता था। सही है, उसके बाद हमारे पास है ग्रीस कार्ट्रिज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। मैंने आपको बताया ना सबसे इम्पोर्टेंट रीजन डाउनफॉल का कौन सा था, अराइवल ऑफ ब्रिटिश, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ग्रीस कार्ट्रिज। तो 1857 के अंदर हुआ कि इन्होंने कार्ट्रिज बनाई। सर कार्ट्रिज का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक पेपर होता है, उस पेपर के अंदर गन पाउडर होता है, और वो ऐसे क्या होती थी, साइड से ऐसी बंदी भी होती थी। जब वो बंदी भी होती थी तो क्या होता था कि उस पर ग्रीस लगा हुआ होता था, और वो ग्रीस किसका लगा हुआ होता था, वो काव और पिक का लगा हुआ होता था। अब आपने ये बात सुनी होगी कि जो हिंदूज होते हैं उनके लिए काव क्या है, कि वो उनकी जैसे वो कहते हैं कि काव हमारी माता है और हमारी वो है, तो हम पेपर में ये तो नहीं लिख कर आएंगे ना काव उनकी अम्मी है, हम ये लिख कर आएंगे कि काव उनका क्या है, होली एनिमल है। तो वो क्या है कि काव को सेक्रीफाइस करने नहीं दे सकते, क्योंकि फैट्स जब ही निकलेंगे ना गाय के, जब हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, पिक, पिक का फैट यूज हो रहा था, तो पिक किसके लिए हराम है, मुसलमानों के लिए फॉरबिडन है। तो जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया इंडियंस को, और हम लोगों ने क्या करा कि उनकी जो लोग हमें वो कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि ग्रीस कार्ट्रिज इस्तेमाल करो, हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक करा, और हम लोगों ने मेरठ में वो स्टार्ट कर दी, वॉर स्टार्ट कर दी, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, ग्रीस कार्ट्रिज के 1857 में एक राइफल बनी, जिसका कार्ट्रिज जो था वो ग्रीस हुआ था, किससे ग्रीस हुआ था, ग्रीस का मतलब कोटेड हुआ था, किससे, काव और पिक के फैट से। जब काव और पिक के फैट से वो हुआ था, तो काव किसके लिए होली आने वाला है, हिंदूज के लिए, और पिक किसके लिए फॉरबिडन है, मुसलमानों के लिए। तो वॉर स्टार्ट हो गई। तो मुझे जल्दी जल्दी ये बात बताएं कि आप लोगों को ये रीजन समझ आया या फिर कोई कंफ्यूजन है। अच्छा बेटा आप देखें, ये मैं टिप्स दे रहा हूँ ताकि पास पेपर आप अटेम्प्ट कर सकें। अगर पेपर में लिखा हुआ है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का मतलब है मुझे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी डालना है, और मुझे अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो सिपॉइज वाली बात। एजुकेशनल बोल रहा है तो मैं एजुकेशनल वाली ही बातें लिख दूंगा। अगर वो कह रहे हैं रिलीजन वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो रिलीजियस भी लिखूंगा, ग्रीस कार्ट्रिज भी। सर क्यों बेटा, ग्रीस कार्ट्रिज इनडायरेक्टली रिलीजन से रिलेटेड है, क्योंकि काव और पिग वाली जो बात है वो रिलीजन से रिलेटेड है।
तो अगर रिलीजन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो आप ग्रीस कार्टरिज भी लिखोगे। फिर अगर क्रिश्चियन मिशनरीज लिखा हुआ आ रहा है, तो सिर्फ कौन सा लिखोगे, रिलीजियस वाले रीजंस लिखोगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज, और इसमें ग्रीस कार्टरिज नहीं लिखोगे। लेकिन अगर सिर्फ रिलीजन लिखा हुआ आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप ग्रीस कार्टरिज भी लिखोगे। बच्चों का सवाल, सर आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, तो आप हमें पास्ट पेपर्स दिखा रहे हैं। तो बेटा पास्ट पेपर जल्दी से दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखें आपके पास है, ये कॉजेज ऑफ वॉर के सवाल है। सबसे पहले सवाल आया, टू व्हाट एक्सटेंट वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द मेन कॉज ऑफ द वॉर। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखना वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर लिख दो तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने कौन सा बताया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला और अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला। अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला सर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो बेटा द सिपॉइज वर डिसकंटेंटेड बिकॉज दे डिड नॉट गेट अ फेयर डील, देयर सैलरीज वर वेरी लो इन कंपैरिजन विद दोस ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एंड दे हैड अ लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन। तो ये वाली बात सही है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऊपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर आपने अदर फाइव रीजंस लिखे, जैसे यहाँ पे एक रीजन लिख दिया, दो रीजन लिख दिए, तीन रीजन, चार रीजन, और ये पांच रीजन। अदर फाइव रीजंस लिखे, कंक्लूजन क्या लिखा, टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर द मेन कॉज ऑफ वॉर, इन माय ओपिनियन द मेन कॉज वाज ग्रीस कार्टरिज इशू। फिर सवाल है, डिड एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन इंडियन पीपल देन एनी अदर चेंजेस बिटवीन 1773 एंड 1856। तो एक्सप्लेन योर आंसर। सबसे पहले आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद आपने क्या लिखा, आपने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लिखे। अच्छा, इसका आंसर मैंने नोट्स में जान पूछ के गलत डाला हुआ है, तो आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है। सही है, क्लास के अंदर प्रेजेंट रहिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लिखे, फिर आपने अदर रिफॉर्म कौन सा लिखा, एक रिफॉर्म, दो रिफॉर्म, तीन, चार और पांच, और ये आपके पास, ये ग्रीस कार्टरिज। आप ग्रीस कार्टरिज नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते, बेटा ग्रीस कार्टरिज 1857 में आया था। कब आया था, 1857 में। सर यहाँ पर 1856 डेट लिखी है, इसलिए आप कह रहे हैं। जी बेटा, डेट देखें 1856 तक की लिखी है। सर अगर मैंने लिख दिया तो क्या होगा, कुछ होगा बेटा, कुछ होगा नहीं, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर काफी बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि आपने अक्कल ही इस्तेमाल नहीं करी कि जो उसने डेट्स दी थी उसके बीच में आपने क्यों नहीं लिखा। तो 1857 वाली बात नहीं डालेंगे। तो सर हम कंक्लूजन में फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि मेन रीजन तो आपके आंसर में आ ही नहीं रहा, तो बेटा आप कंक्लूजन में किसी से भी एग्री कर सकते हो। सही है, ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन आप इस आंसर को भी लिख सकते हो कि आपने ग्रीस कार्टरेज लिखा और फिर आपने लिख दिया कि ग्रीस कार्टरेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर मैं आपको असली अल्फाज में बताऊं, तो ये आंसर गलत है। सही है, ये क्यों गलत है सर, इसकी क्या वजूहत है। तो बेटा ये वजूहत जब भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप मेरी वेबसाइट जाके विजिट करें, और आप लोग फिर एक्स वाई जी कभी भी किसी टीचर से अगर आपका पढ़ना हुआ, तो आपको पता चल जाएगा मेरे नोट्स कितने कॉपीड है। सही है, मतलब मेरे नोट्स बहुत सारे टीचर्स ने कॉपी करे, और मैं हर किसी के साथ पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो बहुत ही हैवी फाइल होती है। जब आप लोग उसको डाउनलोड करते होंगे, तो आप लोगों को पता चल जाता होगा 80 MB वो क्यों इतनी हैवी है, क्योंकि उसके अंदर आप कॉपी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करने वाले स्कैन करके कॉपी कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आंसर गलत डाला हुआ है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, क्लास में वो बातें पता चलेंगी जो नोट्स में नहीं है। उसके बाद आपके पास है, वॉज रिलीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वॉर इन 1857, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इंट्रो लिखा, रिलीजन बोला है, तो मैं रिलीजियस रीजंस, पर्दा, सती, किलिंग ऑफ बेबी डॉटर, क्रिश्चियन मिशनरीज, और आपके साथ ग्रीस कार्टरेज भी लिख दूंगा इसके अंदर। फिर अदर फाइव रीजंस, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, चार रीजन, और आपके पास, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। अब आप बोलेंगे सर आपने चार रीजन ही सिर्फ लिखे हैं, ये तो आपने गलत कर दिया, तो जुल्म कर दिया। बेटा टोटल आपने फाइव रीजन लिखने होते हैं, टोटल 5 to 6 लिखने होते हैं। अब अगर फोर लिखे हुए हैं, तो उसकी वजह है क्योंकि इसके अंदर आप रिलीजन के अंदर दो रीजन से मिलाकर लिख रहे हो, एक रिलीजियस रीजन और एक ग्रीस कार्टरेज, तो वो ऑलरेडी आंसर आपका बहुत बड़ा हो रहा है। सही है, इसलिए आपने अदर फोर रीजन लिखे। फिर है, वॉज द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो इसके अंदर मैं सिर्फ रिलीजियस बताऊंगा, ग्रीस कार्टरेज नहीं बताऊंगा। रिलीजियस बताया, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक रीजन, इंग्लिश वाला दूसरा रीजन, थर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स, चौथा एग्रेरियन पॉलिसी, पांचवा ग्रीस कार्टरेज, और एग्री क्या करूंगा, नो नो आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट, ऑल्दो दिस वाज वन ऑफ द रीजन, लेकिन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ग्रीस कार्टरेज। फिर अब वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स, तो सबसे पहले इंट्रो, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स, फिर आपके पास एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, चार रीजन, पांच रीजन,
एंड देन कंक्लूजन कि भाई मैं इससे एग्री नहीं करता क्योंकि मेन रीजन ग्रीस कार्ट्रिज है. वॉज द ग्रीस कार्ट्रिज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द WOI का मतलब है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंट्रोडक्शन लिखा, ग्रीस कार्ट्रिज लिखा, अदर 5 रीजंस लिखे. और उसके बाद कंक्लूजन दिया कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट डिड एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैव अ मोर इंपॉर्टेंट सेम एज क्वेश्चन 2. रिलीजियस फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट सेम एज क्वेश्चन 3. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1834 वाज द मेन रीजन फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इंग्लिश वाला पॉइंट के लैंग्वेज इशू, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और लिखा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ग्रीस कार्ट्रिज. तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को कॉजेस ऑफ वॉर समझ आया या फिर कोई कंफ्यूजन है? इसके सवालात 14 मार्क्स के कैसे आएंगे, समझ आए या कोई कंफ्यूजन है? जल्दी जल्दी बताएं. ओके बेटा, अब हमारे पास है फेलियर ऑफ वॉर. देखिए फेलियर ऑफ वॉर के ऊपर आपके पास जो सवाल आएगा वो कितने मार्क का आएगा, वो आपके पास 7 मार्क का भी आ सकता है और 14 मार्क का भी आ सकता है. अब देखें इंट्रो आपके पास सेम होगा जो आपने ऊपर ही पढ़ा कि इट वाज फॉट बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश, और ये सारी जो चीजें आपके पास है कि इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में क्या भी है वॉर भी, वॉर कब स्टार्ट हुई, 10 मई 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर एंड हुई, अगस्त 1858 के अंदर एंड हुई, वॉर कौन जीता, वो आपके पास इंडियंस जीत गए, उसके अलग अलग नाम है सर, अलग अलग कौन कौन से नाम है, तो बेटा द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट, तो ये आपके पास अलग अलग नाम. अब सवाल ये है कि हम वॉर के अंदर क्यों हारे. पहला रीजन है लैक ऑफ यूनिटी. सर लैक ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है बेटा, लैक ऑफ यूनिटी या लैक ऑफ, आप इसको कह सकते हो लैक ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये भी कह सकते हो, दोनों आपके पास सेम पॉइंट्स हैं. अब आपके पास है लैक ऑफ यूनिटी, आप ये कहेंगे कि ब्रिटिश की यूनिटी बहुत ज्यादा थी, ब्रिटिश वर यूनाइटेड एज अ सिंगल नेशन, वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे. क्यों? क्योंकि उनका एम ही एक था कि टू डिफीट इंडियंस. लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, इंडियंस के अंदर यूनिटी नहीं थी क्योंकि हमारा कोई कॉमन पर्पस नहीं था, हम सबका अलग पर्पस था. मुस्लिम्स का पर्पस था टू रिस्टोर मुगल रूल. क्या पर्पस था? टू रिस्टोर मुगल रूल, मुगल रूल को रिस्टोर करना था, क्योंकि आपको ये बात पता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मुगल रूल खत्म हो गया, तो उनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीतनी क्यों थी, ताकि ब्रिटिश को हटाए और खुद मुगल रूल ले आए. इंडियंस क्यों लड़ हिंदू हिंदूज क्यों लड़ रहे थे, हिंदूज इसलिए लड़ रहे थे टू ब्रिटिश टू ड्राइव ब्रिटिश आउट फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश को यहाँ से निकाले ताकि वो मेजोरिटी में तो वो रूल करें. और नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए लड़ रहे थे, रिवर्स करानी थी उनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बेटे वाली जो पॉलिसी थी, और वो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे. मतलब हमारे अंदर कोई कॉमन एम ही नहीं था, दैट्स व्हाई वी फेल्ड इन वॉर. ये पहला रीजन लैक ऑफ यूनिटी. दूसरा रीजन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वीक आर्मी. आप ये बताएंगे कि ब्रिटिश के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी इंग्लैंड के अंदर, और इस वजह से उनके पास एडवांस वेपनरी. ऑन द अदर हैंड हमारे पास बहुत ही ज्यादा पुरानी वेपनरी थी. क्यों? क्योंकि आपको याद है कि डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर में हमने एक रीजन पढ़ा था कि हम आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे. जब आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे सक्सेशन डिस्प्यूट में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो वो थी बंदूक और जो थी वो पुरानी हो गई थी, ऑब्सोलीट कंडीशन में थी. लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश के पास बहुत अच्छी वेपनरी थी. दूसरा, ब्रिटिश वर सुपीरियर. क्यों सुपीरियर थे? क्योंकि उनकी आर्मी डिसिप्लिन थी. सही है, हमारी आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी. आपको बताया कि भाई हम जो इंडियंस जो इंडियन है चाहे पाकिस्तानी हो जो भी हो, ये जो एशिया वाले लोग होते हैं बड़े सुस्त होते हैं, तो ये क्या है, डिसिप्लिन नहीं थे. आर्मी ट्रेंड थी, उनकी आर्मी ट्रेंड थी क्योंकि वो बहुत जगहों से लड़ते हुए आ रहे थे. हम कहीं लड़े नहीं थे, हम आपस में ही सिर्फ लड़ते थे, तो हमारी आर्मी भी ट्रेंड नहीं थी. उनकी आर्मी एक्सपीरियंस थी, हमारी आर्मी एक्सपीरियंस नहीं थी. उनके पास बहुत अच्छे सोल्जर्स थे, एडवर्ड और नील जैसे, जो कि क्वीन एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा लॉयल थे. लेकिन हमारे पास कोई इतने अच्छे वो नहीं थे, जिसकी वजह से हम लोग वॉर हार गए. तो ये दूसरा रीजन है आपके पास वॉर हारने का, या तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से आ सकता है या वीक आर्मी के नाम से आ सकता है. तो मुझे ये बात बताएं कि आपको लैक ऑफ यूनिटी और वीक आर्मी वाली बातें समझ आई या फिर कोई कंफ्यूजन है? इसके बाद आपके पास है लैक ऑफ लीडरशिप. आप ये बताएंगे लैक ऑफ लीडर, देखिए हमारे पास लीडर्स बहुत थे लेकिन अच्छे लीडर्स नहीं थे. अच्छे लीडर्स का मतलब बहुत कोई क्वालिटी वाले नहीं थे, और जो थे वो कुछ एरिया के कंट्रोल में थे. जैसे कि इंडियंस के पास लीडर्स कम थे, जैसे कि जनरल बख्त खान. ये जनरल बख्त खान एक बहुत अच्छे लीडर थे लेकिन इनके पास चार्ज लिमिटेड एरिया का था, मतलब एक जगह का चार्ज था, ज्यादा जगहों का चार्ज नहीं था.
नाना साहेब वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ते थे। जब नाना साहेब बहुत अच्छे तरीके से लड़ते थे, रानी ऑफ झांसी एक कैपेबल रूलर थी, तो लक्ष्मी बाई जिनका रियल नेम है, रानी ऑफ झांसी इसलिए कहते हैं क्योंकि झांसी की वो रानी थी, तो और उनका रियल नेम लक्ष्मी बाई था। तो नाना साहेब और रानी ऑफ झांसी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो लोग भी लिमिटेड एरिया के चार्ज में थे। और आपके पास जितने भी लीडर्स अच्छे थे जैसे जनरल बख्त खान, नाना साहेब, रानी झांसी, तो इनको पास लिमिटेड एरिया का चार्ज था। दूसरा मसला क्या था, जो बहादुर शाह जफर थे ना, बहादुर शाह जफर, उनको हिंदूज जो है वो नहीं मानते थे। हिंदूज कहते थे कि आप हमारे लीडर नहीं हो, हम आपको एज अ लीडर नहीं मानते, क्योंकि अंदर आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, आपके पास लीडरशिप एबिलिटी ही नहीं है, तो इसलिए हम आपको लीडर नहीं मानते। तो जिसकी वजह से हिंदूज उनसे सेटिस्फाई नहीं थे और उनको सपोर्ट नहीं करते थे। हिंदूज उनसे सेटिस्फाई नहीं थे और उनको सपोर्ट नहीं करते। तो आपके पास क्या है, इंडियंस जो थे वो क्या थे कि फ्यू लीडर्स आपके पास जो थे वो जनरल बख्त खान थे, नाना साहेब, रानी ऑफ झांसी, और फिर बहादुर शाह जफर जो है वो आपके पास क्या थे, सारी चीजें। तो आपके पास क्या है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास लीडर्स ज्यादा नहीं। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश के पास बहुत अच्छे लीडर्स थे, जैसे कि सर कॉलिन कैम्बेल, सर हेनरी लॉरेंस, तो इनके पास जो लीडर्स थे वो क्या थे, बहुत अच्छे लीडर्स थे। लेकिन हमारे पास जो लीडर्स थे वो क्या थे, लिमिटेड चार्ज के अंदर थे। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ पे लिख रहे हैं फ्यू लीडर्स, लेकिन आपने मुझे चार लीडर का नाम बता दिया, 1, 2, 3 और 4, लेकिन आप मुझे ब्रिटिश के सिर्फ दो बता रहे हैं और उस पर आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश के पास लीडर्स ज्यादा थे, उनके पास फ्यू थे। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि ज्यादा थे, मैंने ये कहा कि उनके जो लीडर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो लॉयल थे। वो किससे लॉयल थे, वो ब्रिटिश से क्या थे, अपनी जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना उनसे बहुत ज्यादा लॉयल थे। हमारे वाले सिर्फ अपने पर्पसेस के लिए लड़ रहे थे और उनके पास चार्ज बहुत कम था, लेकिन जो सर कॉलिन कैम्बेल और सर हेनरी लॉरेंस थे, इतना बड़े एरियाज का चार्ज था, जिसकी वजह से बहुत अच्छे एक्शंस ले रहे थे और जिसकी वजह से ये लोग जीत रहे थे। हमारे पास लीडर्स अच्छे नहीं थे और कुछ एरिया में था, तो जिसकी वजह से हम लोग वॉर हार गए। देन अ लैक ऑफ फंड्स, सर लैक ऑफ फंड्स में हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि ब्रिटिश के पास पैसा बहुत था। सर क्यों पैसा था, बेटा पैसा इसलिए था क्योंकि उधर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी और उनका इंडिया के थ्रू बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा था, तो रेवेन्यू उनके पास बहुत ज्यादा था, पैसे बहुत ज्यादा थे, सही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडियंस के पास पैसे नहीं थे। सर पैसे क्यों नहीं थे, अभी आपने ऊपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़ा कि आपकी लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई थी, जब इंडस्ट्रीज ही नहीं चल रही तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब सर पैसों का क्या करना है, वॉर के अंदर पैसों का क्या करना है, तो बेटा आप खुद सोचें, वॉर 1857 से लेके चल रही है 58 तक, आपके जो सिपाहीज लड़ेंगे ऑब्वियस सी बात है वो सैलरी मांगेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो लड़ रहे हैं वो खाना मांगेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उनका कैंप लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपके वेपन्स आएंगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास और बहुत सारी चीजें आएंगी, तो फंड्स होंगे तो ही चीजें आएंगी, लेकिन अगर फंड्स नहीं होंगे तो वेपन्स नहीं खरीद सकते, फूड आपके पास जो है वो नहीं होगा तो आप लोग वीक हो जाओगे, सोल्जर्स को आप पे नहीं कर सकते। तो जब हम ये सब नहीं कर सकते और ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश अच्छा पे भी कर रहा है, ब्रिटिश हर चीज कर रहा है, तो दैट्स वाई वी फेल्ड इन वॉर। तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि आप लोगों को ये दो रीजन समझ आए या नहीं आए, जल्दी जल्दी, लैक ऑफ फंड्स और आपके पास कौन सा था के लैक ऑफ लीडरशिप। अब हमारे पास है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल, ये सर क्या है बेटा, ये आपके पास है पांचवा पॉइंट, सही है, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल। आप ये बताएंगे इंडियंस एजुकेटेड थे, एजुकेटेड थे, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, उलमास, ये सब उसमें थे, वो लड़ते नहीं थे। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की लड़ाई हो गई, आप लोग तो अभी क्लास के अंदर सारी लड़कियां हैं, अब आप लोगों की तो नहीं होती होगी, लेकिन लड़कों की फॉर एग्जाम्पल लड़ाई हो गई, अब अगर कोई मेरे पास आएगा मुझे ये कहेगा सर लड़ाई करने चले, तो मैं थोड़ी जाऊंगा, मैं टीचर हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि मैं जाते, चलो मैं वैसे बड़ा बदमाश हूंगा, लेकिन मैं जाते हुए ये सोचूंगा कि अगर किसी मेरे स्टूडेंट ने मुझे लड़ते हुए देख लिया या मुझे, तो टीचर्स नहीं लड़ते, सही है। इसी तरीके से आप स्कूल में जाके कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा ना टीचर मेरा भड्डा हो गया, मेरी लड़ाई हो गई, आप मुझे जो है वो बचाने आ जाए या मुझे सामने वाले को मारने आ जाए, नहीं आएंगे टीचर। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ये इन्वेंशन करेंगे या फिर आपके लिए लड़ने आएंगे। उलमास, उलमास वैसे ही अल्लाह अल्लाह करते हैं, आप किसी मस्जिद के मौलवी को बोलो कि जाओ मेरे साथ लड़ने आ जाओ तो वो थोड़ी लड़ने आएंगे। तो आपके पास जो मोस्टली जो इंडियंस थे ना, देखिए आपके पास आर्मी बिल्कुल थी लेकिन वो बिल्कुल वो थी, अब हमारे पास स्ट्रेंथ वाइज लोग बहुत ज्यादा थे लेकिन मोस्टली उसमें से पढ़े लिखे लोग थे, साइंटिस्ट थे, स्टूडेंट्स थे, उलमास थे, तो वो लड़ नहीं रहे थे, जब वो लड़ नहीं रहे थे तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर पंजाब भी किसको सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था,
प्रिंसली स्टेट्स भी किसको सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिश को। मतलब वो इंडियन से लॉयल नहीं है, वो ब्रिटिश से लॉयल है। तो हमारा जो पब्लिक सपोर्ट था वो काफी ज्यादा कम था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिश का पब्लिक सपोर्ट काफी ज्यादा था, अच्छा था, जिसकी वजह से क्वांटिटी में वाले वो कम थे लेकिन उनके लड़ने वाले लोग थे, और उन्होंने काफी जगहों से सपोर्ट ले लिया। जैसे पंजाब से सपोर्ट मिल गया, प्रिंसली स्टेट से सपोर्ट मिल गया, तो दैट्स वाई वो लोग हमसे जीत गए वो। सिक्स रीजन, कंसलेटर पॉलिसी, हम इसको सब्सिडरी अलायंसेस भी कहते हैं, लेकिन आप कंसलेटर पॉलिसी के नाम से इसको याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सब्सिडरी अलायंसेस भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये पॉलिसी ये थी कि लॉर्ड कैनिंग एक गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल ने ये करा कि वो इंडियंस को ब्राइब करते थे। क्या करते थे? इंडियंस को ब्राइब करते थे। अब वॉर हो रही है 1 साल तक, तो वो इंडियंस को ये कहते थे कि मैं आपको कंसेशन दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपके एरिया पर अटैक नहीं करूंगा अगर आप इंडियंस को सपोर्ट नहीं करोगे वॉर के। तो लोग क्या करते थे? लोग पैसों की लालच के अंदर इंडियंस का सपोर्ट छोड़ देते। जब वो इंडियंस का सपोर्ट छोड़ देते थे तो कौन जीत जाएगा? ब्रिटिश जीत जाएंगे। इसी तरीके से लॉर्ड कैनिंग ऑल्सो ब्राइब द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, जो लड़ते थे उनको भी ब्राइब करते थे। सिर्फ रूलर्स को ब्राइब नहीं कर रहे, सबको ब्राइब कर रहे। तो इंडियंस को पैसों से अपनी तरफ खरीद लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो लोग, कौन जीत गए? ब्रिटिश जीत गए, क्योंकि सब किसको सपोर्ट करना शुरू हो गए? मोस्टली ब्रिटिश को सपोर्ट। तो ये 6 रीजन है आपके पास। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया फेलियर ऑफ वॉर, कि हम वॉर के अंदर क्यों हार गए। इसके बाद देखिए, अगर 7 मार्क्स का सवाल आए तो लैक ऑफ यूनिटी लिखूंगा, वीक आर्मी लिखूंगा, लैक ऑफ लीडर्स। सर मैं कोई और 3 रीजन लिख दूं? कोई भी बेटा, कोशिश करें ये लिखें। और अगर आपको पेपर में याद नहीं आ रहे कि सर ने कौन से बताए थे, तो आप कोई भी 3 लिखते हैं। सर आप ये 3 क्यों कह रहे हैं? बेटा ये मार्किंग स्कीम में लिखे होते हैं इसलिए। सही है, जरूरी नहीं है। एग्जामिनर ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप कोई और रीजन लिखेंगे तो मैं मार्क्स दे दूंगा, बिल्कुल देगा। लेकिन मार्किंग स्कीम से हमें क्या मिलता था? दिली सुकून। और दिली सुकून बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब उल्टा पेपर करके आते हैं ना, तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। तो मेरे दिली सुकून के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि 7 मार्क्स में आपने कौन सा रीजन लिखना है। सही है, लैक ऑफ यूनिटी, वीक आर्मी एंड लैक ऑफ लीडर्स। आप सर सवाल आप दिखा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो बेटा सवाल आप आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मैं, फेलियर ऑफ वॉर के। सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट वर द डिफरेंट एम्स ऑफ इंडियन ग्रुप्स इन 1857 द मेन रीजन व्हाई द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब फेल क्यों हो। सबसे पहले इंट्रो, इंट्रो के बाद डिफरेंट एम्स। डिफरेंट एम्स का मतलब है लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी वाला, कि देयर वाज दिस यूनिटी अमंग देम। फिर एक और रीजन लिखा, फिर दूसरा रीजन लिखा, सही है, फिर आपने तीसरा रीजन लिखा फंड्स वाला, चौथा आपने, और चौथा रीजन, और एंड में कंक्लूजन लिख दिया, वेरी ग्रेट एक्सटेंट डिफरेंट एम्स कॉज द फेलियर ऑफ वॉर। फिर वॉज एन एबसेंस ऑफ लीडरशिप द मेन रीजन। तो सबसे पहले एबसेंस ऑफ, देयर वॉज नो मिलिट्री जीनियस, जनरल बक खान वॉज अ ब्रिलियंट ऑफिसर, और ये सब। या आपने क्वेश्चन वाला रीजन बताया लैक ऑफ लीडरशिप, फिर आपने डिसयूनिटी, फिर आपने बताया दूसरा रीजन, फिर आपने बताया लैक ऑफ फंड, तीसरा रीजन, फिर आपने चौथा रीजन, और एंड में कंक्लूजन दे दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लैक ऑफ यूनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? लैक ऑफ यूनिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज द सोल रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर। तो हम इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली बात बताएंगे कि उनकी आर्मी बड़ी सुपीरियर थी और ये सारी चीजें। फिर आपने एक रीजन और बताया, फिर दूसरा रीजन बताया, फिर आपने जो है वो तीसरा रीजन बताया, और फिर आपने चौथा एंड में कंक्लूजन दे दिया कि आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऑल्दो दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज लैक ऑफ यूनिटी। अब देखें, ये 7 मार्क्स का सवाल है, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल टू मीट इट्स अचीव इट्स एम। तो पहला रीजन डिसयूनिटी वाला, दूसरा रीजन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला, तीसरा लैक ऑफ लीडरशिप वाला। सही है, तो ये 3 रीजन। व्हाई डिड इंडियंस नॉट अचीव इंडिपेंडेंस इन 1857, सेम एज क्वेश्चन 4, वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फेलियर 7 मार्क का, सेम एज क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल, सेम एज क्वेश्चन 4, अ लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय 1858, डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, सेम एज क्वेश्चन 1, लैक ऑफ यूनिटी सबसे पहले लिखूंगा, फिर अदर 4 रीजंस लिख दूंगा। अच्छा, एक और रीजन भी है फेलियर ऑफ वॉर का, वो आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। सही है, वो आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए। वो क्या है? कचरा रीजन है लेकिन पता होना चाहिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या बताएंगे? की नोट्स में नहीं मिलेगा लेकिन प्रॉपर नोट्स में आपको मिलेगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बताएंगे कि देखें, जो इंडिया है, जो इंडियंस है,
वो जब वॉर के लिए आ रहे थे तो वो डिफरेंट पार्ट से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? डिफरेंट पार्ट से। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो ब्रिटिश थे वो वॉर में जो आ रहे थे वो अपने कैंप से आ रहे थे, मतलब जहाँ उन्होंने कैंप्स और लगाए हुए थे वहां से लड़ रहे थे, अपनी मेन बेसिस से लड़ रहे थे। अब जब इंडियंस डिफरेंट पार्ट से आ रहे थे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि उस जमाने में जूम तो था नहीं कि जूम की मीटिंग कर लेते, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कोई प्लान नहीं था। क्या नहीं था? प्लान नहीं था। लेकिन ब्रिटिश तो एक ही जगह पे था, अपनी बेसिस में थे, तो उनके पास प्लान था जिसकी वजह से वो लोग वॉर जीत गए, और हमारे पास प्लान नहीं था जिसकी वजह से हम वॉर हार गए। तो ये आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन आज तक सवाल पेपर में आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप बाद में कहेंगे अल्लाह अकबर हमने कैसे घटिया टीचर से पढ़ा था, तो ये बेटा लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही आपको दिख जाएगा। सही है, तो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन पेपर में आज तक नहीं आया, तो इसके की नोट्स में नहीं लिखवाया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक पॉइंट था, कि हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमें ये पढ़ाया था। सही है, ताकि आप जो है वो बाद में रोना धोना नहीं करें कि हमने कैसे टीचर से पढ़ी। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को कॉजेस ऑफ वॉर, फेलियर ऑफ वॉर दोनों समझ आ गए, तो हम अफेक्ट्स ऑफ वॉर पर आ जाएं। मुश्किल बेटा, ओके बेटा। अब हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस, अफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ वॉर। अच्छा, ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है ना, आप लोगों को शायद न्यू एडिशन मेरे ख्याल से भेज दिया होगा। मुझे ये बताएं कि ग्रुप पर न्यू एडिशन आप लोगों को भेजा गया था सेक्शन वन का या नहीं भेजा था? असिस्टेंट में नोट्स का, प्रॉपर नोट्स का भेजा था या नहीं भेजा था, जल्दी बताएं। भेजा था? एक मिनट, मैं खुद भी चेक कर रहा हूँ, भेजा था। सही, देखिए आप लोगों को जब नया एडिशन भेजा है ना, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे ये सवाल कहाँ पर आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है जून 2021 के अंदर, कहाँ आया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बाय MYM। यही सवाल जून 2021 में आया हुआ है, आप पेज नंबर उसका 47 जाकर जब देखेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 अचीव नथिंग, ये रीजंस व्हाई यू माइट एग्री एंड डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो ये मेरा सवाल है। लेकिन सर पेपर में क्या सवाल आया वो मैटर करता है ना, सर पेपर में क्या सवाल आया था तो वो बता दे। तो बेटा वो आपको सवाल एक मिनट बताता हूँ पढ़कर, न्यू एडिशन खोलकर बताता हूँ कि उसमें जो है वो सवाल क्या आया था, एग्जैक्ट सवाल, मतलब सवाल सेम का मतलब ये है कि इस जैसा सवाल आया था और आंसर सेम है लेकिन उसकी वर्डिंग्स क्या थी, डिफरेंट थी। तो उसका सवाल ये आया है, बस एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सवाल क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट वर द आउटकम्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेनिफिशियल फॉर इंडिया, बेनिफिशियल अचीव नथिंग, एक ही बात है ना। अब देखें ये क्वेश्चन क्या पर आ गया है पेपर में, तो जहां पर आपको नोट्स पे क्वेश्चन बाय MYM दिखे, आपने अगर ये कहा ना कि सर मैं इसको नहीं कर सकती या नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सर इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए हर चीज इम्पोर्टेंट है, अगर आप एंड में पढ़ रहे होते ना तो मैं आपको ये चीजें कहता कि छोड़ दो बाद में कर लेंगे, तो सही। बेटा ये जो है ना ये आपको ग्रुप पर भेजे गए, आप इसकी मैं आपको डेट बताता हूँ ये कौन सी डेट को भेजे गए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सी डेट को भेजे गए। ये भेजे गए यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब ये हो गया सेक्शन वन हिस्ट्री भेजा गया था, कॉपी पेज 1 टिल 8 इन योर हिस्ट्री नोटबुक्स, हिस्ट्री सेक्शन वन लर्निंग का काम बताया हुआ है, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर नोट्स एंड पास्ट पेपर्स पेज 1 टिल 20, तो ये आपको पूरा बताया हुआ है ग्रुप के अंदर। देखो हर चीज आपको गाइड की जा रही है, अगर आप ग्रुप नहीं देख रहे तो अब आप लोगों का ही कसूर है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 अचीव नथिंग, गिव रीजंस व्हाई यू माइट एग्री एंड डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, बेसिकली पेपर में सवाल ये आया टू व्हाट एक्सटेंट वर द आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेनिफिशियल फॉर इंडिया, तो बेनिफिशियल किस हद तक थे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे फेलियर्स, ये बेनिफिशियल नहीं थे, अचीव कुछ नहीं कर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये था, पहला फेलियर ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप ब्रिटिश को रिमूव करो यहाँ से और खुद रूल करो, खुद सेल्फ रूल करो, लेकिन आप उसके अंदर कंप्लीटली फेल हो गए। तो आप क्या कहोगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियंस वाज टू ड्राइव आउट ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड टू एंड ब्रिटिश रूल,
However, after the war, the Indians not only failed in their immediate cause, but they also became the slaves of British. Thus, British attained complete autonomy of the country and established a tyrannical rule over the Indians. पहला फेलियर. दूसरा फेलियर सर क्या है? तो बेटा दूसरा फेलियर ये है कि आपके पास जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 की, तो आपके पास मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन हो गए. हमारा का पर्पस क्या था कि टू रिस्टोर मुगल रूल, लेकिन वो तो हम कंप्लीटली क्या हो गए, फेल हो गए. तो आप क्या बताएंगे, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द ब्रिटिश एक्साइल द मुगल एम्पीरियर बहादुर शाह टू द मुगल एम्पायर वॉज रिमूव फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड द कंट्री केम अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन बाय द फेमस प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858. पेपर में सवाल आ सकता है व्हाट वाज क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट. तो क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट आया आफ्टर वॉर 1858, उसके अंदर ये बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ले रही है ऑफ ईआईसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. हम आगे पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, सही है. और उसके बाद उसमें ये कहा जाता है कि ब्रिटिश आर नाउ दी ऑफिशियली रूलर्स. तो ये आपके पास क्या है, क्या आप बताएंगे, कैन द कंट्री केम अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन बाय द फेमस प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया इन 1858. थस द मुस्लिम रिजेंटेड दिस फैक्ट एज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट एंडेड फॉरएवर. तो दूसरा फेलियर ये है कि हम कंप्लीटली फेल हो गए. तीसरा फेलियर सर क्या है? तो तीसरा फेलियर ये है कि आपके पास मुस्लिम्स वर कंसिडर्ड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. ब्रिटिश ये समझते थे कि मुसलमानों की वजह से ये वॉर हुई है, सही है, उनको ये लगता था. आपको अभी भी पता है ये मुसलमान ऐसा टेररिस्ट बहुत ज्यादा मशहूर है, मतलब ये है. हालांकि मुसलमान कभी भी गलत काम नहीं करते, जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन हम मशहूर है, हम बहुत, हमारे इमेज प्रॉब्लम है. तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि जब वॉर खत्म हुई ना, तो ब्रिटिश ये समझ रहे थे कि मुस्लिम्स की वजह से, जिसकी वजह से उनका एटीट्यूड मुस्लिम्स के टूवर्ड्स बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि मुस्लिम्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया. तो ये काफी मसला है. बात थर्ड फेलियर क्या है, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश बिकेम कॉशियस रिगेट एंड रिएक्शनरी इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियंस स्पेशली मुस्लिम्स. दे कंसीडर्ड द मुस्लिम्स टू बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट हु वांटेड टू रिस्टोर द सुप्रीमेसी ऑफ द मुगल एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट. दे नो लॉन्गर ट्रस्टेड द मुस्लिम्स एंड सो दे स्टार्टेड सप्रेसिंग देम इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल फॉर ऑलमोस्ट फॉर अ हाफ सेंचुरी. फिर आपके पास है फोर्थ. फोर्थ आप ये बताएंगे कि इन एक और फेलियर क्या हुआ. एक और फेलियर ये हुआ कि इन्होंने आर्मी के अंदर ब्रिटिश के लोग ज्यादा कर दिए, इंडियन लोग क्या कर दिए, कम कर दिए. फिर इंडियन की जो सैलरी और जो पोस्ट थी वो भी गिरा दी, और जो आपके पास ब्रिटिश की जो सैलरीज और थी वो क्या हो गई, अच्छी हो गई. जब इन्होंने इंडियंस को कम कर दिया तो इंडियंस क्या हो गए, जॉबलेस हो गए. तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ ना, हम बेनिफिट तो नहीं हुआ इससे कुछ. द आर्मी दैट टुक द इनिशिएटिव इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जो इंडिपेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मसरूफ थे, जिनकी वजह से ये वॉर हुई, जिन इंडियंस की वजह से, तो उनको हटा दिया गया. द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द आर्मी, मतलब ब्रिटिश को बढ़ा दिया गया, एंड द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर डिक्रीज. This disappointed the Indians who took part in the revolt for better post and salaries. However, instead of getting any incentive, they became jobless. तो ये चार फेलियर हो गए. अब हम क्या लिखेंगे? However, it would be also be false to say that the war achievements were none, as it resulted in many positive outcomes as well. पहला positive outcome क्या है? पहला positive outcome ये है कि आपके पास जो EIC की जो इतनी corruption और चल रही थी, तो अब EIC क्या हो गई, इन्होंने खत्म कर दी, एक तरीके से खत्म कर दी, और इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया EIC, सही है. जो अभी आप पढ़ोगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बेसिकली एक कंपनी थी ब्रिटिश की जो हमारे ऊपर जुल्म कर रही थी. तो इससे फायदा क्या हुआ वॉर से, कि वॉर के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट से, तो वो हमारे ऊपर जुल्म कम हो गए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द वॉर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वॉज एंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. The officers of EIC were corrupt and they used to tax Indians heavily. Thus, Indians were happy as now were relieved from the tyranny of the EIC, which was previously exploited. दूसरा सर क्या फायदा हुआ? दूसरा ये फायदा हुआ कि इन्होंने इंडियंस को थोड़ा सा पार्ट देना शुरू कर दिया पॉलिटिक्स के अंदर, सही है. तो आप ये बताएंगे 1861 के अंदर एक एक्ट आता है जिसकी वजह से ये लोग बॉम्बे मद्रास जहां पे इनकी गवर्नमेंट्स होती है वहां पर इनको थोड़ा सा पॉलिटिकल वो दे देते हैं, मतलब पॉलिटिकल सीट्स और दे देते हैं इंडियंस को. तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल सक्सेस था कि हमें वॉर के बाद थोड़ा सा उन्होंने लिफ्ट कराना शुरू कर दिया. थर्ड आपके पास सक्सेस क्या है? थर्ड आपके पास ये सक्सेस है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रिवर्स हो गई. जिसको हम बहुत ज्यादा तंग थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या हो गई, रिवर्स.
The Queen declared that they desired no extension of their present territorial positions, so the British changed their policy of annexations for the satisfaction of landlords, princes, and many other property holders. Furthermore, the long-hated doctrine of lapse was once for all abandoned. Thus, it was a success as the Indians would inherit their ancestral lands with ease. Fourth success क्या है जो ग्रीस कार्ट्रिज था ना वो भी हटा दिया गया. The Greek cartridges that were made up of cow and pig, which caused a lot of anger among the Indian sepoys, these cartridges were removed and their supply was stopped as authorities realized their mistakes. Thus, it was a success as the Indian soldiers were now greatly relieved of a very sensitive religious issue. तो जब आपके पास ये सवाल आया तो सर आपने इसमें फेलियर भी फोर लिखे हैं, इसमें सक्सेस भी फोर लिखे हैं. सर हमें पेपर में कितने लिखने होंगे? तो बेटा सबसे पहले आपने फेलियर जो पेपर में लिखने हैं वो या तो आप चार लिख दो और सक्सेस क्या लिख दो? तीन लिख दो. या तो आप फेलियर तीन लिख दो और सक्सेस चार लिख दो. किसी एक चीज को हमेशा कम लिखा करें.